हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे विद बीके शर्मा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं टाइम एंड टेंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स फिक्स करेगा। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं टाइम एंड टेंस का ऑब्जेक्टिव और उसका रूल कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव को आपको सॉल्व करना है बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा गया है कि सारा क्वेश्चन बैंक का टेंस का ऑब्जेक्टिव है, जो कि 2009 से लेकर 2014 तक का है। यानी कि इस ऑब्जेक्टिव में आपका 2009 से लेकर के और 2014 तक जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है टेंस का, यानी टेंस के नियमों पे, उस ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का नियम देखेंगे, ट्रिक देखेंगे और समझेंगे हिंदी के साथ। जैसा कि आप लोग को दिख रहा, पहला क्वेश्चन है आपका कि ही डैश लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। अब देखिए, यहां पे आप तो इसको तो पढ़ लिए, लेकिन आपका ऑप्शन आता है इज, वॉज, आर एंड वर। ये चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब चारों में से आप कंफ्यूज होंगे कि ही के साथ इज भी लग सकता है, वॉज भी लग सकता है, आर तो लगेगा नहीं, वर्ड भी नहीं लग सकता है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है आपको कि इज लगाएंगे कि वॉज लगाएंगे। इज भी हो सकता है और वॉज भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको ध्यान से इसको पढ़ना है क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। देखिए, ही डैश लिसनिंग टू द रेडियो नाउ, यानी कि वह अभी रेडियो सुन रहा है, या फिर वह अभी रेडियो सुन रहा था। था बोलेंगे, अभी बात हो रही है तो मतलब क्या, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो जब किसी भी सेंटेंस में आपको देखना, देखिए सेंटेंस में कोई ना कोई चीज छुपा रहता है, जिसको आप पढ़ करके, जिसको आप समझ करके आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या दिख रहा है, ही डैश डैश लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। ये जो दिख गया आपको नाउ, ये नौ ही आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट में काम क्या हो रहा है, चल रहा है। यानी नौ का मतलब होता है अभी, क्या होता है, अभी या अब। यानी कहने का मतलब हो रहा है कि वह अभी क्या कर रहा है, तो रेडियो सुन रहा है। क्या सुन रहा है, रेडियो सुन रहा है। अब रहा है, रही है, बात आया, तो कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट तो आप समझ लिए, लेकिन इसको बनाना कैसे, सॉल्व करना कैसे, तो आपको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज अ मार प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब बात रही कि यहाँ पे इज लगाना है कि आर लगाना है। अब ये आपको पता होगा कि आई बी यू दे के साथ क्या लगाते हैं, आर, और ही सी इट नेम के साथ क्या लगाते हैं, तो इज लगाते हैं। तो ही आया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इज। तो आपको क्या समझ में आया कि जब किसी भी सेंटेंस में नौ देखेगा तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो इज या तो एम या तो आर, तीनों में से कोई एक चीज को भर देना है, तो वो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, आई डैश पटना लास्ट ईयर, आई डैश पटना लास्ट ईयर। अब देखिए यहां पे ऑप्शन कह रहा है कि लिव, लेफ्ट, इज लिविंग, नन। अब देखिए, लिव मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट आपका V2 है, ये आपका V1 है, इज लिविंग है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, यहाँ पे नन ऑफ दीज है। इस तीनों में आपको देखना है कि इस सेंटेंस के लिए सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लिव, आई लिव पटना लास्ट ईयर, कि मैंने पिछले साल पटना को छोड़ता हूं, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं। चलिए आगे देखता हूं, आगे क्या कह रहा है कि मैं पिछले साल पटना को छोड़ा, मैं पिछले साल पटना को छोड़ा, इस पे कंफ्यूजन है। दूसरा देखिए, मैं पिछले साल पटना को छोड़ रहा हूं, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको इस सेंटेंस में छुपा हुआ आंसर कैसे है, देखिए, आई डैश पटना लास्ट ईयर, यहां पे दिख रहा है क्या आपको लास्ट, और यहां पे दिख रहा है ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, जब भी आपको दिखेगा क्या क्या, लास्ट ईयर, लास्ट वीक जब भी दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये टेंस किसमें है, तो वो पास्ट सिंपल टेंस का है। कहां का है, तो पास्ट सिंपल। तो चलिए देखते हैं अब ऑप्शन में, लिव आपका V1 है, क्या है, V1 है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस
ऑब्जेक्ट। तो वी टू आपको चाहिए तो लीव आपका वी वन है और लेफ्ट आपका क्या है तो वी टू है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दो का, तो लेफ्ट हो जाएगा, यानी आई लेफ्ट पटना लास्ट ईयर, यानी मैंने पिछले साल पटना को क्या किया छोड़ा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए जिस सेंटेंस में लास्ट ईयर दिखेगा, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, लास्ट ईयर दिखेगा तो आपको क्या समझना है कि ये सेंटेंस किसमें है तो पास्ट सिंपल टेंस में। चलिए दो सेंटेंस आपका क्लियर हुआ, तीसरा ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है देखिए, आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा, यानी आउट भी लगा हुआ, आई विल नॉट गो आउट मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इफ यदि इट डैश, इट के बाद डैश लगा हुआ, और इफ क्या है आपका, यह है आपका कंजंक्शन, क्या है कंजंक्शन है। देखिए इफ इट डैश आगे कह रहा है ऑप्शन की रेन, रेन मतलब वर्षा होना, रेन आपका वी फाइव है, रेन आपका वी वन है, ठीक है, और रेंड लिखा हुआ है, ये आपका क्या है तो वितरी है और डी में लगा हुआ है नन। अब इस तीनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि रेन लगाए कि रेंस की रेंड, अब क्या लगाना है देखिए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा यदि वर्षा होगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यदि वर्षा होगा ना तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो आपको ट्रिक समझना है कि ये है कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस रहता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहता है। चाहे ये सेंटेंस उठ के यहां आ जाए, इसको बाद में दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहां भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस जो है वो हमेशा किस में रहता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहता है, और बाकी बचा भाग वो फ्यूचर सिंपल में रहता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्यूचर सिंपल दिया गया है, विल नॉट गो, विल मतलब फ्यूचर सिंपल, विल दिया गया है, तो आपको कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो किस में आएगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या होता है तो वी वन और वी फाइव दो चीज यूज होता है। तो अब इट के बाद वी वन लगता है कि वी फाइव लगता है, तो आपको पता होगा कि आई वी यू दे के साथ वी वन लगता है और ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है तो वी फाइव लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, रेन नहीं लगाएंगे, रेंड भी नहीं चलेगा बाबू, क्या चलेगा तो रेन्स लगाना है। आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, यानी यदि वर्षा होगा तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो समझ में आ गया कि जब भी प्रीपोजिशन सॉरी कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस जो है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगा और बाकी बचा भाग जो है वो आपका फ्यूचर सिंपल में रहेगा। तो थ्री का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, रेन्स। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है ये देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि सी डेस मी लॉन्ग एगो, सी डेस मी लॉन्ग एगो, देखिए ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, मीट अगर लगाते हैं यहाँ पे तो सी मीट मी लॉन्ग एगो, नहीं सी अगर यहाँ पे मीट लगाते हैं तो यहाँ पे सटेबल नहीं होता, क्यों नहीं होता है क्योंकि अगर हम प्रेजेंट की बात करूंगा तो सी के साथ वी फाइव लगेगा, ये भी गलत है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। चलिए मिट्स पे, मिट्स को लगा करके देखते हैं, सी मिट्स मी लॉन्ग एगो, वह मुझे बहुत पहले मिलता है, मिलती है, सी मिट्स मी लॉन्ग एगो, वह मुझे बहुत पहले मिलती है, क्या इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि सी मेट मी लॉन्ग एगो, यानी कि वह मुझे बहुत पहले मिला, वह मुझे बहुत पहले मिला, ये भी सुटेबल लग रहा और नन तो है नहीं। देखिए अब आपको भरना क्या है और समझना क्या है इसमें, ये समझना है कि जब किसी भी सेंटेंस में आपको एगो दिखेगा, क्या दिखेगा एगो, ए जी ओ एगो, एगो जब भी दिखेगा किसी भी सेंटेंस में, लॉन्ग एगो दिखे सिर्फ एगो दिखे तो आपको समझना है कि वो है पास्ट सिंपल टेंस का, किसका है तो पास्ट सिंपल टेंस का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीट आपका वी वन, मिट्स आपका वी फाइव, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा मैट, मैट आपका क्या है तो वी टू है, तो हो जाएगा सी मैट मी लॉन्ग एगो, वह मुझे बहुत पहले मिली, वह मुझे बहुत पहले मिली। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ही डैश नाउ, ही डैश नाउ, लेकिन फिर जो पहला क्वेश्चन था नौ वाला फिर वही क्वेश्चन आया यहाँ पे नौ, तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या सेट होगा, वॉज राइटिंग, वह अभी लिख रहा था, वह अभी लिख रहा है, वह अभी लिख चुका है, क्या बोलेंगे आप। देखिए आपको बताया गया कि जब किसी भी सेंटेंस में नाउ दिखेगा वो आएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, फिर वही ही के साथ क्या लगेगा, वॉज नहीं, क्या लगाना है तो इज
अगर हैज भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाना है तो इज राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिख रहा है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ही आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वॉज राइटिंग लगाना है कि इज राइटिंग। क्या लगाएंगे आप? तो आप लगाएंगे इज राइटिंग, ना कि वॉज राइटिंग मार देना, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। कंफ्यूज नहीं होना, क्या मारना है तो इज कैसे, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिख रहा है, नॉट का मतलब होता है अभी या अब, यानी ये क्रिया क्या है, ये काम जारी है, वो अभी लिख रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर में देखिए। इफ सी कम्स आई डैश ऑप्शन देखिए क्या कहता है, विल गो या फिर बी में गो, सी में वेंट, डी में नन। अब कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। अभी तुरंत आपको बताया गया कि कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस जो होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहता है और बाकी बचे शेष जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल टेंस में रहता है। जिसमें देखिए इफ क्या आपका कंजंक्शन, इधर वाला सेंटेंस किसमें है तो प्रेजेंट सिंपल में, कैसे समझे, क्योंकि यहाँ पे कम्स लगा हुआ, कम्स आपका क्या है, V5 है, तो V5 किस सेंटेंस में मतलब यूज होता है, तो वो यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो यहाँ पे सी कम्स हो चुका है, यानी यूज हो चुका है प्रेजेंट सिंपल का, यानी कंजंक्शन के बाद वाला भाग ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में बन चुका है, बाकी शेष बचा भाग किसमें बनेगा तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस में बनेगा। तो आई के साथ आप क्या लगाओगे, तो विल गो या फिर गो या वेंट, क्या लगाना है, फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, फ्यूचर यानी विल गो लगाना है, क्या लगाना है तो विल गो, यानी हो जाएगा यदि वह आएगी तो मैं जाऊंगा, यदि वह आएगी तो मैं जाऊंगा, यहाँ पे कंडीशन है, ये कंडीशन वाला सेंटेंस, इसलिए कंडीशन को समझना है कि अगर कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस यानी कि सिर्फ इफ ही आएगा, यहाँ पे सिर्फ इफ ही नहीं आएगा और कुछ भी आ सकता है, इसीलिए कंजंक्शन अगर यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में और बाकी भाग किसमें बनेगा तो फ्यूचर सिंपल में। देखिए यहाँ पे ये उठ करके चला आया था, इधर आया था ना, तो उठ करके आपके बड़े इधर आ गया, तो ऐसा नहीं है कि इधर रहेगा तभी यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होगा, इधर रहेगा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर इधर यूज हुआ है प्रेजेंट सिंपल का तो इधर यूज क्या होगा, फ्यूचर सिंपल का। तो चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। 7 नंबर में कह रहा है कि ही डेज फॉर दहली 2 days अगो, फिर देखिए सेंटेंस कह रहा है ही डेज फॉर दहली 2 days अगो, यानी ऑप्शन समझिए, लीव बताया गया, लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ा, इज लिविंग छोड़ रहा है, नन मतलब नन, यानी क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देखना, ही लीव फॉर दहली 2 days अगो, वह दिल्ली छोड़ता है मतलब 2 दिन पहले छोड़ता है दिल्ली, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, 2 दिन पहले दिल्ली छोड़ता है, यानी ही के साथ तो V5 चाहिए, ये भी गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। आगे देखिए लेफ्ट है, लेफ्ट कंफ्यूजन है, इज लिविंग हो ही नहीं सकता क्योंकि इस सेंटेंस में क्या लगा हुआ है तो एगो लगा हुआ है, एगो का मतलब कौन सी, पहले का मतलब कौन सी, पास्ट सिंपल टेंस, क्या पास्ट सिंपल टेंस आपको बताया गया था, यहाँ पे देखिए कहाँ पे, यहाँ पे बताया गया है एगो का मतलब जब भी रहेगा तो पास्ट सिंपल टेंस आएगा, V2 लगेगा, इसीलिए लिव का V2 क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा लेफ्ट, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको लेफ्ट में मारना है, ठीक है, लिव नहीं, क्या मारना है तो लेफ्ट। जैसे आप यहाँ देखिए लास्ट ईयर का मतलब भी क्या होता है पास्ट, तो लिव का V2 क्या हो गया था, लेफ्ट हो गया था, इसी तरीके से यहाँ भी सेंटेंस है एगो दिखा तो पास्ट सिंपल टेंस, लिव नहीं लेफ्ट लगाना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट फॉर दिल्ली 2 days अगो, यानी कि वह 2 दिन पहले दिल्ली छोड़ा है, ठीक है छोड़ा। आगे देखिए 8 नंबर क्या कहता है, इफ इट रेन्स आई डैश एट होम टुमारो, If it rains, I dash at home tomorrow. आप ऑप्शन यहाँ पे चूज कीजिए, If it dash rains, I stay at home tomorrow. अगर बारिश होगा तो मैं कल घर पर रहूंगा, ये सेंटेंस देखिए सुटेबल हो रहा है। दूसरा देखते हैं, If it rains, I stay at home tomorrow. अगर बारिश होगा तो मैं घर पर रहूंगा, आई के साथ भी पाइप लगता नहीं बाबू, ये तो बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, If it rains, I dash एट होम, यानी इज स्टिंग लगाते हैं, इफ इट रेन्स आई इज, आई के साथ इज नहीं गलत, डी तो होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तो स्टे हो जाएगा, यानी इफ इट रेन्स आई स्टे एट होम टुमारो, अगर बारिश होगी तो मैं कल कहां रहूंगा, तो घर पे रहूंगा, कंडीशन वाला सेंटेंस, सेम सेंटेंस देखिए बार बार पूछ रहा है, ये सेंटेंस पे ध्यान देना है, अगर पूछेगा तो आपको बना लेना है कि कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, बाकी शेष बचे भाग किसमें जाएगा, किसमें जाना है, तो देखिए यहाँ पे कुछ छूट रहा है, देखिए इफ इट रेन्स, तो यहाँ पे देखिए आपको लगाना है कि यहाँ पे छूट गया है, ऑप्शन में क्या लगाना है,
तो विल लगाना है, क्योंकि कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस, इधर बाकी बचे भाग कौन रहेगा, तो वो रहेगा फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल में विल चाहिए बाबू, तो विल स्टे, इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम टुमारो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आंसर, विल स्टे। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। नाइन नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा ही डेज हियर एवरी डे, ही डेज हियर एवरी डे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन चूज कीजिए, ही कम हियर एवरी डे, ही के साथ वी वन यानी वी टू भी कह सकते हैं, वह रोज यहाँ आया, अगर वी टू का यूज कर रहे हैं तो वह रोज यहाँ आया ऐसा नहीं तो बोल सकते हैं, या फिर देखिए ही कम हियर, कम तो लगता नहीं है क्योंकि अगर प्रेजेंट सिंपल की बात करूंगा तो ही के साथ वी फाइव लगता है, कम नहीं लगेगा। कैम देखिए वी टू है, कैम क्या है वी टू है, ये भी यूज नहीं होगा। कम्स का है, ही कम्स हियर एवरी डे, यानी आपको वो सब नहीं देखना। देखिए कम में भी आप कंफ्यूजन है, कैम में भी कंफ्यूजन है, कैम भी लगा सकते हैं, कम्स भी लगा सकते हैं, इस कम तीनों में कंफ्यूजन है, आप कैसे कंफ्यूज। वह रोज यहाँ आ रहा है, ये भी बोल सकते हैं ना, ही इज कमिंग हियर एवरी डे, ही इज कमिंग हियर एवरी डे, यानी वह रोज यहाँ आ रहा है, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा एग्जाम हॉल में, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको करना क्या, देखिए एवरी डे दिख रहा है, एवरी डे का मतलब कौन सी, रोज, एवरी डे का मतलब रोज, एवरी डे जब भी आपको दिखेगा तो इससे प्रेजेंट का बात होगा, किससे बात होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का बात होता है कि वो यहाँ रोज आता है, वह यहाँ रोज आता है, वह रोज यहाँ आया नहीं, वह रोज यहाँ आ नहीं रहा है, वह रोज यहाँ आता है, वह रोज यहाँ आता है, तो राइट आंसर क्या मारना आपको, कम्स, क्या मारेंगे आप, कम्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्स, ही कम्स हियर एवरी डे, वह रोज यहाँ आता है। चलिए टेन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आई ऑफेन डेस माई हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स, आई ऑफेन डेस माई हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स, समझिए, आई ऑफेन स्पेंड्स, आई के साथ भी फाइव कहा बाबा, गलत, आई के साथ स्पेंड लग सकता है, कंफ्यूजन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आई ऑफेन स्पेंड माई हॉलीडे विथ माई पेरेंट्स, यानी कि मैं अक्सर अपना क्या, अपना जो छुट्टी है ना, अपने माँ बाप यानी अपने माता पिता के साथ बिताया नहीं, बिताया नहीं, इज स्पेंडिंग, मैं अक्सर अपने अपना मतलब छुट्टी अपने माता पिता के साथ बिता रहा हूँ, ये भी गलत है बाबू, नन भी नहीं होगा, नन तो होगा नहीं, इज स्पेंडिंग में नहीं होगा, स्पेंट भी नहीं होगा, ये भी गलत, आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा स्पेंड। आप बोलेंगे सर कैसे स्पेंड में मार दिया, हम तो स्पेंड भी लगा सकते हैं, कैसे बाबू, देखो जब किसी भी सेंटेंस में ऑफेन दिखेगा, क्या दिखेगा, ऑफेन दिखेगा तो वो सेंटेंस आपका आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, आपको ध्यान रखना है कि ऑफेन दिखेगा कोई भी सेंटेंस में तो वो आपका सेंटेंस आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, नहीं आपका पास्ट हो सकता है, नहीं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो सकता है, वो हो जाएगा डायरेक्ट आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर यहाँ पे कुछ और सेंटेंस रहा था तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते थे, स्पेंस लग जाता है तो इधर भी चेंज हो सकता था, इधर भी चेंज हो जाता, इसीलिए आपको क्या करना, आई था तो आई के बदले आपको विवर लगाना था, इसलिए स्पेंड लगाना है कि मैं अक्सर अपना छुट्टी अपने माँ मतलब अपने माता पिता के साथ क्या करता हूँ, बिताता हूँ, बिताया नहीं, बिता नहीं रहा हूँ, बिताता हूँ, इसीलिए स्पेंड का प्रयोग करना, यानी जीवन का प्रयोग करना, समझ जाना है, ऑफेन दिखेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरे पे आपको नजर भी नहीं दौड़ाना है, सेंटेंस पढ़ेंगे आपको ढूंढना है कहाँ बाबा जीवन कहाँ दिख रहा है, आपको जीवन देखना है इधर क्या लिखा हुआ, उससे आपको मतलब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दे डेज हियर सिंस 2005, they dash here since 2005. अब देखिए ऑप्शन सेट कीजिए, दे हैज बिन लिविंग, रे बाबा हैज बिन कहां सेट रहा है, दे के साथ हैज बिन लगता नहीं है, गलत, have been living पे आइए, have been living पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सेट हो सकता है, इज लिविंग भी नहीं हो सकता है, नन तो होगा नहीं, अब कैसे पकड़ना है वो देखिए, देखना कैसे है कि दे डेस हियर सिंस 2005, अब सिंस दिखा, क्या दिखा, सिंस दिखेगा और फोर दिखेगा, क्या क्या दिखेगा, सिंस दिखेगा, फोर दिखेगा,
सिंस प्लस टाइम, ये टाइम दर्शा रहा है, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, जब भी आपके सेंटेंस में कहीं भी दिखेगा आपको हमेशा ढूंढना है कौन सा टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस, नॉट प्लस, बीन प्लस, बिफोर प्लस, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो सिंस दिख रहा है ना बाबा, तो सिंस प्लस टाइम दिख रहा है, तो आपको ढूंढना है कि इसमें या तो हैज बिन या तो हैव बीन, हैज बीन प्लस बिफोर या तो हैव बीन प्लस बिफोर, दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको भरना है क्या यहाँ पे हैज बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा। आई बी यू दे के साथ लगता है हैव बीन और इसी नेम के साथ लगता है हैज बीन, तो दे दिख रहा है ना बाबा, दे दिख रहा है, वे लोग दिख रहा है, तो क्या लगाना है, हैव बीन राइट आंसर हो जाएगा। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2005, यानी वह वे लोग 2005 से यहाँ रह रहे हैं, वे लोग 2005 से यहाँ रह रहे हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन। इज लिविंग भी आपको नहीं लगाना बाबा, क्योंकि सिंस प्लस टाइम हमेशा दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, हैव बीन लिविंग। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्या कहता है, व्हेन ही डेस आई वॉज रीडिंग अ बुक, When he dash, I was reading a book, option set कीजिए। When he arrived, confusion है बाबा, आगे देखिए, When he arrived, ये भी नहीं होगा, When he was arriving, When he, ना तो होगा नहीं, देखिए आपको option set कीजिए। When he dash, I was reading a book, देखिए कह रहा है कि जब वह आता, ऐसा बोलेंगे क्या कि जब वह आता है, जब वह, यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन को सेट कीजिए, कहता है कि जब वह आया मैं क्या कर रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, इस पे कंफ्यूजन है। दूसरा कहता है कि जब वह आता है, आता तो नहीं होगा क्योंकि ही के साथ भी फाइव लगाना था, यह तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। जब वह आ रहा था, ही वॉज अराइविंग, जब वह आ रहा था मैं किताब पढ़ रहा था, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, देखिए जब भी दो काम पास्ट में होगा तो एक काम खत्म होने वाला है दूसरा चालू, यानी एक काम अगर जारी रहेगा ना तो दूसरा काम यहाँ खत्म होगा। वेन से पता चल रहा है कि वेन, जब, जब का मतलब पहले, कि मतलब जब वह आया कि आ रहा था, नहीं, जब वह आया तो मैं क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था। अगर इधर दिख रहा है ना, बिफोर प्लस टाइम, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए इज आर वॉज वर्ड प्लस बिफोर, तो इधर वाला सेंटेंस किस में आएगा, तो पास्ट सिंपल टेंस में। अगर इधर पास्ट सिंपल टेंस कर देता तब क्या करते बाबू, कि व्हेन ही अराइव्ड आई डैश रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे एम लगाते कि वॉज लगाते, एम लगाते, सॉरी वॉज लगाते, कैसे, क्योंकि यहाँ पे वी टू यानी पास्ट का बात हो रहा है, पास्ट का बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाना था, वॉज, यहाँ पे वॉज लगा दिया है बाबू, तो इधर पास्ट का बात हो रहा है तो इधर भी आपको पास्ट ही लगाना है, तो पास्ट लगाने के लिए आपको वी टू चाहिए, तो वी टू कहाँ है रे बाबा, तो ए नंबर में है, अराइव्ड यानी कि जब वह पहुंचा, जब वह अराइव्ड का मतलब पहुंचना, अगर यहाँ पे कैन भी रहता तो वो भी सेंटेंस सही होता, जब वह आया तो मैं किताब पढ़ रहा था, जब वह आ रहा था, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते, अराइव का बात हो रहा है मतलब पहुंचना, जब वह आया, जब वह आया नहीं पहुंचा, जब वह पहुंचा मैं किताब पढ़ रहा था, इसीलिए इधर पास्ट तो इधर पास्ट, When he arrived, I was reading a book, जब वह पहुंचा मैं किताब पढ़ रहा, तो राइट आंसर इसका arrived हो जाएगा, arrived नहीं, was arriving नहीं देना है बाबू, none तो होगा नहीं, चलिए आंसर ए आपका राइट आंसर है। आगे देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, कि he never dash a lie, ऑप्शन शूट कीजिए, he never tell a lie, तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि टेल आपका अभिवन है, अभिवन के ग्राम लगता है, आई वी यू दे के साथ ही में सेट नहीं करेगा बाबा, सेट करेगा क्या, नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेल्स क्या कहता है, देखिए बी नंबर कह रहा है टेल्स, ही नेवर टेल्स अला, इस पे कंफ्यूजन है, आगे भी बढ़िए, ही नेवर टोल्ड अला, दोनों में कंफ्यूजन है, आगे बढ़िए, ही नेवर इज टेलिंग अला, ही नेवर इज टेलिंग अला, वह कभी झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि इस पे देखिए, इस पे कह रहा है कि वह कभी झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोला, ये कंफ्यूजन है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, इस पे तो पूरे कंफ्यूजन है, क्या हो सकता है, टेल तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि विवरण लगता नहीं है। अब देखिए, अब पकड़ना कैसे, जिस सेंटेंस में आपको नेवर दिखेगा, क्या दिखेगा, नेवर,
ऑलवेज नेवर सेल्डम ऑफन, ऑलवेज नेवर सेल्डम ऑफन, ये सब चीज जब भी आपको दिखेगा तो वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपने देखा आई ऑफन प्रेजेंट सिंपल टेंस लिया, लिया कि नहीं लिया, तो उसी तरीके से नेवर जब भी आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, जिस सेंटेंस में नेवर दिखेगा तो वो सेंटेंस आपका किस में जाएगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में या तो V1 या तो V5 लगाना, ही के साथ V1 की V5 तो वो लगेगा V5, तो जहां पे टेल का V5 टेल्स दिखेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर V5 टेल्स है यानी V है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेल्स, यानी ही नेवर टेल्स आला, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए आंसर टेल्स वाला लगाना, V5 वाला लगाना है। नेवर का मतलब प्रेजेंट का बाद, प्रेजेंट में आएगा हमेशा, इसीलिए टेल नहीं, टोल्ड नहीं, इस टेलिंग नहीं, क्या लगेगा, टेल्स। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि माय फ्रेंड डैश टू दिल्ली लास्ट वीक, आपको बताया गया था जब कभी सेंटेंस में क्या दिखेगा, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, अगो, ये सब दिखेगा तो पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो इसमें देखिए माय फ्रेंड डैश टू दिल्ली लास्ट वीक, माय फ्रेंड गो टू दिल्ली लास्ट वीक, मतलब मेरा दोस्त जो है पिछले सप्ताह दिल्ली जाता है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे पिछले सप्ताह दिल्ली जाता है, ऐसा नहीं बोल सकते, मेरा दोस्त पिछले सप्ताह दिल्ली गया, इस पे कंफ्यूजन है। आगे देखिए, मेरा दोस्त पिछले सप्ताह दिल्ली जाता वो तो नहीं होगा, क्योंकि माय फ्रेंड के साथ V5 चाहिए, V1 है, ये गलत है, V5 पे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना रे बाबा, क्या लगाना है आपको, तो लास्ट वीक यहाँ पे आपको पकड़ना है, लास्ट वीक दिख रहा है ना, तो लास्ट वीक का मतलब कौन सी, पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह का मतलब क्या, बीता हुआ सप्ताह, तो बीत गया जो, तो वो पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल क्या होता है, गो मना V1 यानी जाना, गो का V2 क्या होता है, पास्ट सिंपल लगाना है तो V2 चाहिए, तो V2 आपका क्या हो जाएगा, तो वेंट हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेंट, यानी माय फ्रेंड वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, मेरा दोस्त जो है पिछले सप्ताह कहाँ गया, दिल्ली गया, गोस तो होगा नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, वेंट। इसी तरीके समझ समझ के आप लोग बनाएंगे ट्रिक के साथ, तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि आई डेस अ नोवेल नो, आई डेस आ नोवेल नो, देखिए आई नो दिख रहा है ना, अब यहां से भी पकड़ सकते हैं, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, आगे क्या दिया गया है, आई डेस अ नोवेल नो, नो दिखा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इज एम आर प्लस बिफोर, आई के साथ एकलौता है, आई अपने साथ क्या लेता है, तो वो लेता है एम, अपने साथ इज नहीं आर नहीं क्या लगाता है, अपने साथ, तो एम, जहां पे एम दिखेगा एम प्लस बिफोर, वो सेंटेंस राइट हो जाएगा, तो एम प्लस बिफोर, एम रीडिंग, वॉज रीडिंग, नहीं दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना बाबा, कि वॉज भी लग सकता है एम भी लग सकता है, कैसे पकड़ना है, तो नो से, नो आपका क्या दर्शा रहा है, तो जारी काम है, काम क्या हो रहा है, जारी है, कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, तो मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूं, इसलिए आई एम रीडिंग अ नॉवेल, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल नहीं बोल सकते हैं, या फिर आई रीड अ नॉवेल नो, मैं अभी क्या पढ़ता हूं, एक नॉवेल पढ़ता हूं, ऐसा भी नहीं बोल सकता हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी एक नॉवेल पढ़ रहा हूं, नो लगा हुआ, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो इस वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन बैंक का टेंस का ऑब्जेक्टिव जो है वो 2009 से लेकर 2014 तक का क्लियर हो चुका है। आई होप कि आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से समझे होंगे। आशा है कि आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग ट्रिक के साथ उसको बनाएंगे, ना कि कंफ्यूजन पे जाकर के आपको कंफ्यूजन हो जाना है कि इज भी लग सकता है, वॉज भी लग सकता है, या फिर एम रीडिंग, वॉज रीडिंग, या फिर विल गो गो, ये सब पे कंफ्यूजन नहीं करना बाबा, इज राइटिंग, मैट भी, मिट्स भी हो सकता है, मिट भी हो सकता है, नहीं बाबा, क्या लगाना है, सेंटेंस को देखना है, आपके सेंटेंस में आंसर छुपा हुआ है। जब आप सेंटेंस को नहीं समझ, मतलब नहीं बन रहा आपसे, तो उस सेंटेंस को आप बार बार पढ़िए, तीन बार चार बार पढ़िए, अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस से ही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा, इसी में छुपा रहता है आंसर। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, आप पूरे सेंटेंस का मतलब स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप फिर से 2014 से लेकर जहां तक होगा वहां तक आपको फिर से टाइम एंड टेंस का VVI ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो का मतलब इस सारे ऑब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।